अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम ये एंड हो गया है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी एक्सरसाइज, और इसकी एक्सरसाइज में पहले आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर में पूरा कर दूँ। अगर नहीं होंगे, जितने रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है डिफाइन द टर्म्स यूनिट वैक्टर, पोजिशन वैक्टर एंड कम्पोनेंट ऑफ वैक्टर। सबसे पहले हमारे पास है जी एक टर्म आपने डिफाइन करनी है, मतलब ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये जस्ट डिफाइन क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हम इधर भी लिख देते हैं, वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूज्ड इज 1 एंड यूज्ड टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और मैथमेटिकली इसे लिखा जाए तो इसे हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि उसके ऊपर हम उस वेक्टर के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक कैप, और बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी टर्म है जी हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, तो इसकी डिफाइन क्या है, अ वेक्टर दैट गिव्स द लोकेशन या पोजीशन, ये भी इसकी डेफिनेशन भी आपके पास बुक में है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, कहाँ से, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, यानी कि ओरिजिन के लिहाज से जो किसी की लोकेशन या पोजीशन बताता है उसका नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसको यूजुअली हम आर से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आर एक्स आई भी लिख सकते हो, नहीं तो ए आई बी जे और सी के, जहां पर वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया जी पोजिशन वैक्टर। थर्ड पे हमारे पास क्या चीज़ थी, थर्ड पे हमारे पास चीज़ है कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर की डिफाइन लिख लेते हैं, जरा कंपोनेंट बोलते हैं टुकड़े को, और इसके अंदर एक पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज दी गिवन वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं अगर बोर्ड पे समझाऊं तो इसको मैं कुछ यूं कहूंगा कि फर्ज कर लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक का नाम होगा, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका नाम होगा ए एक्स, इसका नाम क्या होगा, ए वाई। तो मैं कहता हूं कि ए एक्स की कितनी ताकत है एक्स में, वो इसका ए एक्स होगा, यानी कि ए एक्स कंपोनेंट, और मैं पूछता हूं ए की कितनी ताकत है वाई में, तो जो ए वाई होगा वो उसका वो टुकड़ा होगा जो डिजायर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू देगा, ये उसके क्या होंगे, कंपोनेंट। एक वेक्टर के मैक्सिमम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि एक वेक्टर के मैक्सिमम तो कंपोनेंट्स इनफाइनाइट है, लामहदूद है, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 ही है, जिसका नाम है, अगर ए वेक्टर है तो ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड होगा, तो रेक्टेंगुलर 3 है, और जो वैसे कंपोनेंट्स है वो इनफाइनाइट है। वैसे कंपोनेंट का मतलब यह है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ये एक वैक्टर कुछ यूं बनाए, ये देख रहे हो कितने वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या है, ये है, तो ये जो ब्लैक लाइन के जो सारे नीले नीले छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं, और ये लामहदूद भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, हाँ इसके रेक्टेंगुलर 3 ही बनेंगे,
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं कि दी वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्ट, यानी कि तीन वेक्टर है उनका आंसर आ रहा है जीरो, यानी कि उनका रिजल्टेंट जो बन रहा है वो जीरो है। व्हाट कैन बी दी ओरिएंटेशन ऑफ दी वेक्टर्स, ठीक है, तो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं। सपोज वी हैव तीन वेक्टर्स एस, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दी थ्री वेक्टर्स आर ए बी एंड सी। तो अगर मैं ए को बी में जोड़ूं तो इसको हमने इसके अंदर फिर डन ऐड करना है किसको, सी को, लेकिन कुछ इस तरह से जोड़ें कि इनका रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट ओनली पॉसिबल जीरो व्हेन हेड ऑफ लास्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, या आप इसे ये कह लो कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाए, तो जब ये क्लोज लूप बनाएंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर मैं इधर वेक्टर बनाता हूँ ए, तो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए। इसके बाद वेक्टर बी को कुछ इस तरह से बनाओ कि जो वेक्टर सी बने वो उसका हेड तीसरे की टेल से जुड़ जाए। तो अगर मैं वेक्टर बी को कुछ इस एंगल पर रखूँ और यू बनाऊँ, तो आप गौर करो कि ए को बी में आपने ऐड किया तो इनका रिजल्टेंट आएगा सी, इनका रिजल्टेंट आएगा सी, जो कि यू बनेगा, टेल को टेल से और हेड को हेड से। लेकिन अगर आपने इनका रिजल्टेंट जीरो करना है तो फिर आपने सी को ऐड नहीं किया है, बल्कि किसको ऐड किया है, नेगेटिव सी को। अगर इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो आप लिखोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर रिजल्टेंट माइनस सी। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। यानी कि नल वेक्टर का मतलब है क्या, जीरो रिजल्टेंट। सही हो गया, यानी कि अगर आप तीन वेक्टर्स को किस शक्ल में बना दो, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर थ्री देखें। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो बोलता है के वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल द बोथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव नेगेटिव साइन। आपके पास दो कंडीशन उसने दी है, एक केस पहला वन, केस वन दिया है उसमें के बोथ कंपोनेंट्स हैव नेगेटिव साइन, और ये वेक्टर कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि अगर मैं इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करूं तो आपके पास ये जो इलाका बनता है इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है और ये वाई है। तो कौन से में इसके कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, इट इज कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। उसकी वजह जरा गौर से देखेंगे, अगर इधर एक वेक्टर को आप ड्रा करो तो इसका एंगल बनेगा, इसके अगर आप दो कंपोनेंट बनाओ तो देखो ये ओरिजिन से इधर है तो ये भी नेगेटिव, और ये ओरिजिन से नीचे है तो ये भी नेगेटिव। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में इसके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, नेगेटिव। केस टू या कंडीशन टू, जिसके अंदर बोथ कंपोनेंट्स हैव बोथ विल हैव, मैं आंसर लिख रहा हूं बोथ विल हैव, उसने कहा कि दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए, ऑपोजिट साइन इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में इनके साइन ऑपोजिट होंगे। जरा देखो अगर इधर मैं वेक्टर को ड्रा करता हूं यूं, तो इसके अगर आप दो कंपोनेंट बनाओ, अगर आप गौर करो तो वाई नेगेटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर आप इसमें बनाओ वेक्टर को, वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप देखोगे कि इसका x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, इधर भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, और ये क्वाड्रेंट नंबर था वन, ये था टू, ये था थ्री और ये था फोर।
ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फोर में वो कहता है कि इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। अच्छा, इस तरह के सवाल के अंदर यस और नो में ना अगर आप यस या नो का आंसर भी दे दो तो एक नंबर आपको मिल जाता है। तो वैसे तो कहता है कि अगर क्या आपको एक वेक्टर का एक कंपोनेंट जीरो दे दूँ, एक यानी कि दूसरा है लेकिन सिर्फ एक जीरो है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा? नहीं होगा। नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला है ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जमा ए वाई स्क्वायर। सपोज कि ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के। आप वाई भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। तो आप जरा पुट करो तो ए इज इक्वल टू ए एक्स की जगह आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, लेकिन ए वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसका आंसर बनेगा ए वाई का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए वाई, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका इसकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हुई। और अगर इसे मैं आपने डायग्राम की शक्ल में देखना तो ये देखें कि उसने ये कहा कि अगर फर्स्ट कॉलम ये एक वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा ए एक्स और एक होगा ए वाई। फॉरवर्ड्स कर लो कि इसका कहता है ए एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो अगर इसका ए एक्स कंपोनेंट है ही नहीं तो ये वैक्टर पता कैसे बन रहा होगा? ये वैक्टर सारे का सारा इधर बन रहा होगा ए यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे? वाई एक्सिस पे। तो अगर वाई एक्सिस पे बन रहा है तो ये वाली वैल्यू जस्ट किस पे डिपेंड कर, यानी कि इसका इस वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा? जस्ट ए वाई आ जाएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि अगर उसका ए एक्स जीरो है तो ए वाई तो होगा, और अगर ए वाई जीरो है तो फिर ए एक्स होगा। और अगर यानी कि जो आपके थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सेंस में करें तो अगर दो जीरो थर्ड हो फिर भी उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड के सेंस में अगर आप फार्मूला लिखो मैग्नीट्यूड का तो वो बराबर था ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। अगर इधर दो भी जीरो हो जाए फिर भी आंसर इसका जीरो नहीं होगा। हाँ, एक वेक्टर को मुकम्मल तौर पर जीरो करने के लिए उसके तीनों कंपोनेंट जीरो होने चाहिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड, इन तीनों का आंसर क्या हो? जीरो। फिर जाकर ए का आंसर किसके बराबर आएगा? जीरो के। अदरवाइज ये जीरो के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है कैन द वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। यहां पर ना हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। वो कहता है कि क्या वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा हो सकता है? यहां पर कंडीशन वन, इसके अंदर तो आप लिखोगे नो द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ, कौन से केस में? इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सेंस में। लेकिन जो कंडीशन टू है यस द कंपोनेंट कैन बी ग्रेटर इन केस ऑफ कंपोनेंट अदर देन रेक्टेंगुलर, यानी कि अगर रेक्टेंगुलर हो तो उसके सेंस में तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल इधर डायग्राम की शक्ल में भी समझा देता हूँ। जरा ये देखो कि अगर ये एक वेक्टर को मैंने ड्रा करूँ यूं, तो इस वेक्टर ए के दो टुकड़े बनेंगे, एक का नाम होगा ए एक्स और एक का नाम होगा ए वाई। ये तो भी आप, ये तो मतलब अभी तक आप लोगों को हिफज हो गया होगा कि दो कंपोनेंट होंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड बराबर आता है ए बराबर है ए एक्स स्क्वायर जमा ए वाई स्क्वायर। अब फर्ज कर लो कि ए एक्स नहीं है या ए वाई नहीं है, तो फिर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एक्स। यानी कि वैक्टर का ये ए जो है वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम अपने कंपोनेंट के बराबर तो आ सकता है लेकिन ये कंपोनेंट इस वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट किस सेंस में?
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मगर आप आम अल्फाज में बात करो तो फर्ज कर लो ये आपके पास कोई एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है, ये छठा वेक्टर है, ये सातवां वेक्टर है, ये आठवां वेक्टर है। इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? हेड को हेड से और टेल को टेल से। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखो तो इनका रिजल्टेंट ये है। तो ज़रा गौर करो क्या ये रिजल्टेंट यानी कि जो वेक्टर आया है ये अपने कंपोनेंट से बड़ा है या छोटा है? तो ये छोटा भी है अपने कंपोनेंट से, लेकिन ये कंपोनेंट्स कौन से हैं अदर देन रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलावा जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें वेक्टर अपने साइज़ का यानी कि कंपोनेंट का साइज वेक्टर के साइज से मैग्नीट्यूड में क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में हमेशा वो छोटा ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू? नो, हमें तो लिखेंगे नो, इसका भी एक नंबर, नो दी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ वेक्टर डज नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू एज, इसे आप साथ लिखोगे एज मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर वैल्यू एंड स्केलर कैन नेवर बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इन -3a द माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आपने वेक्टर्स का पढ़ा हुआ है, इंडिकेट्स ओनली दी डायरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। इसका इसको अगर हम इधर बनाएं तो मैं कहूँगा फर्ज कर लो ये वेक्टर है 3 है, तो अगर इसको मैं यूं बना दूं तो ये बन जाएगा -3। इसमें -3 का मतलब ये है कि वैल्यूज के भी 3 है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है पहले वो इधर था वो इधर चला गया। और वैसे भी अगर हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखें तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर जमा ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन ये जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है, इन दिस फार्मूला the squared value is always positive, ये बन जाएगा। यानी कि अगर आप इसकी सेंस में करो भी तो किसी भी स्केयर वैल्यू को आप मतलब किसी भी नेगेटिव वैल्यू को आप स्केयर भी ले लो तो इसका आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव 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 में ऐड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स? ठीक है, यानी कि वो ये सवाल दे रहा है कि अगर ए को आप बी में ऐड करो तो जवाब आता है नल वेक्टर, तो इनके कंपोनेंट के बारे में क्या ख्याल है? अब हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ से a इसके बराबर है तो उधर जाकर b माइनस का हो जाएगा। अगर हम a देखें तो a के तीन कंपोनेंट बनेंगे ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, और अगर b के देखें तो b के बनेंगे बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ये तीन इसके तीन इसमें पुट करो यानी कि इक्वेशन वन में आप पुट करो तो a की जगह आ जाएगा आपके पास ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, बी की जगह आ जाएगा बी एक्स आई माइनस बी वाई जे माइनस बी जेड के। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई और ए जेड इज इक्वल टू माइनस बी जेड, यानी कि इनके कंपोनेंट्स आपस में क्या है एक दूसरे के इक्वल है बट ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या बनेगा कि दोनों अगर आप इनको सम कर भी दोगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स आंसर बन जाएगा जीरो, ए वाई प्लस बी वाई आंसर बन जाएगा जीरो, ए जेड प्लस बी जेड आंसर तब भी बन जाएगा जीरो। तो अगर आप इसको देखो
तो इन तीनों का अगर आप आंसर निकालो तो आपको बनेगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। और ये किस चीज़ की निशानी है? ये नल वेक्टर की निशानी है। इसका मतलब है इनके कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका नेट आंसर कितना बन जाता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर एट में वो कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि आपने कंडीशन बतानी है कि जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएं बराबर। तो हम कहते हैं सपोज ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स। ए वाई किसके बराबर होता है? ए साइन ऑफ थीटा, और ए एक्स होता है ए कॉज ऑफ थीटा। दोनों में ए सेम है तो क्या बचेगा? साइन थीटा, इधर बचेगा कॉज ऑफ थीटा। ये कॉज थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई पे वन, ये कॉज थीटा उधर जाएगा तो बचेगा साइन थीटा ओवर कॉज थीटा इज इक्वल टू वन। साइन थीटा ओवर कॉज थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वन, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। और टेन इनवर्स कितना होता है? 45। इसका मतलब है कि अगर इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर को कितने एंगल पर आप बनाओ? 45 पर, तो उसके जो दो कंपोनेंट बनते हैं ए एक्स और ए वाई वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आगे। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? इसका सीधा सा जवाब है नो, वी कैन नॉट ऐड वेक्टर टू स्केलर। उसकी वजह, बिकॉज वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हाइल स्केलर ओनली हैज मैग्नीट्यूड। तो अगर आप कोशिश करो भी कि वेक्टर को आप स्केलर में ऐड करने की कोशिश करो भी तो होगा क्या कि वेक्टर के पास होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जबकि स्केलर के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन। तो अगर इसे आम अल्फाज में कहें तो जो वेक्टर है वो स्केलर को कहेगा तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है शोरिया, तेरे पास डायरेक्शन नहीं है, मेरे पास डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन ले गया। जाहिर सी बात है जब वो डायरेक्शन ले आएगा तो स्केलर रहेगा ही नहीं, वो बन जाएगा वेक्टर, फिर वो ऐड हो सकता है। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि आप अपने सर पर 10 किलो चीनी रखो और चीनी लेके भाग जाओ। जब आप भागोगे तो क्या रस्ते में आपकी चीनी की अमाउंट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चीनी जो है वो है स्केलर, केजी में मेजर हो रही है। और जब आप भाग रहे हो यानी कि मास है, और जब आप भाग रहे हो तो आपकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड यूनिट। और ये किस में, ये क्या चीज़ है आपके पास? वेलोसिटी। ये है स्केलर और ये है वेक्टर, तो इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होते, तो आपकी चीनी की अमाउंट भी क्या रहती है? फिक्स रहती है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें इधर ही, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर? इसका जवाब भी है नो, वी कैन नॉट ऐड 0 टू नल वेक्टर। वजह बताओ, बिकॉज 0 इज अ, 0 कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, एंड ओनली हैज मैग्नीट्यूड, व्हाइल नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज मैग्नीट्यूड एंड उसके पास दोनों चीज़ें हैं भाई, डायरेक्शन। सो स्केलर्स या वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड टू वेक्टर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर बताते खुद 9 ही है। तो जो 9 में स्टेटमेंट लिखे है वही आपने लिखने, बस स्केलर को कह देना है कि इधर 0 स्केलर है और नल वेक्टर को कह देना है वेक्टर है। ठीक हो गया, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0? तो ये 11 कर लेते हैं, बाकी 10 कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
वो कहता है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो, नो देयर सम कैन नेवर बी जीरो इफ दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसकी वजह अगर आप वेक्टर देखो तो फर्स्ट कर लो ये एक वेक्टर है, इसके अंदर इस वेक्टर को आपने ऐड करना। अब इसको ऐड जैसे मर्जी करो, प्लस फॉर्म में या माइनस में, जैसे ये ए है इसको आप बी कह लो, तो अगर आप इसे ए माइनस बी भी करो, क्या करो ए माइनस बी भी करो, तो अगर आप ए माइनस बी भी करो तो इसका जो आंसर है, अगर मैं इधर डायग्राम की शक्ल में बनाऊँ तो ये ए है, इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा बी, तो फिर भी ये इतना हिस्सा जो आपके पास होगा ये बच जाएगा, ठीक है, आंसर इसका जीरो नहीं होगा। हाँ, इसका सम जीरो हो सकता था, सम इज ओनली जीरो, ओनली जीरो इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि हमने डायरेक्शंस को तो ऑपोजिट कर दिया, लेकिन अब चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इनकी वैल्यूज में से कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी जो इसका नेट आंसर रिजल्टेंट होगा। सम तभी जीरो हो सकता था कि जब इसके हेड को इसकी टेल टच कर जाए, लेकिन अब क्या हुआ, ना इसकी टेल इसके हेड को टच कर रही है, और फिर करने के बाद भी, यानी कि ये इतने तक आने के बाद भी इतना हिसाब बच रहा है, और अगर ये बच रहा है तो लेंथ वेक्टर की शो करती है वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ रही है, और अगर वैल्यू आ रही है तो वो जीरो जाहिर सी बात है नहीं होगी, तो सो देयर सम कैन नेवर भी जीरो। ये थे जी आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने चैप्टर 2 के पढ़ाए, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।